दोस्तों अक्सर हम लोग बड़े और लंबे पुलों को देखते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है आखिर इन पुलों को कैसे बनाया जाता है, इस बहते हुए पानी में ऐसा कैसे असंभव हो जाता है कि इतना लंबा और बड़ा पुल बनकर खड़ा हो जाता है। वही तो रोजमर्रा की जिंदगी में पुल हमें बहुत ज्यादा सहायता करते हैं किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। आज की वीडियो आप एंड तक देखना, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। वही तो नदी पर कई प्रकार के ब्रिज बनाए जाते हैं, बीम और सस्पेंडेड ब्रिज। किसी भी नदी के बीच बनाने से पहले अच्छी तरीके से उस पर रिसर्च की जाती है। उदाहरण के लिए ब्रिज कितना भार सह सकता है, नदी का पानी कितना गहरा है, नदी की मिट्टी किस प्रकार की है। भाई ऐसी रिसर्च के बाद पुल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन हमारे मन में तो ये सवाल आता है कि बहते हुए पानी में इतने बड़े ब्रिज के पिलर कैसे ठाड़े किए जाते हैं। वही तो पानी के अंदर इस तरीके के कॉन्फर डैम को तैयार किया जाता है। वही तो ये कॉन्फर डैम दो तरीके से बनाए जाते हैं। कभी अगर नदी के अंदर पानी कम है तो इस कॉन्फर डैम को नदी के अंदर ही बनाया जाता है। वहीं तो जब कभी नदी के अंदर पानी ज्यादा होता है तब इन कॉन्फर डैम को बाहर से बनाकर सिप के द्वारा नदी के अंदर लाया जाता है। कॉन्फर डैम एक तरीके के स्टील के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके अंदर स्टील की रॉड को फिट करने के बाद दो तरीके का स्ट्रक्चर दिया जाता है। यह स्ट्रक्चर सर्किल या स्क्वायर जैसा होता है। वहीं तो इन कॉन्फर डैम की स्टील रॉड को इस तरीके से बांधा जाता है जिससे इसके अंदर कोई भी पानी नहीं आता है। इसके बाद पिलर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है और इसके ऊपर पिलर को बना दिया जाता है। किसी भी बहती नदी में ब्रिज को बनाने में सबसे ज्यादा अहम हिस्सा कॉन्फर डैम का होता है। भाई तो ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि बहते पानी में डैम को कैसे बनाया जाता है। ऐसी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।